हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू है और वाई हमारा ए साइन टी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारा सिंपली एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, ये हो गया हमारा। और y है हमारा a sin t। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड। पहले मैं सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करता हूँ क्योंकि पेज में जगह कम है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t फॉर इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी वाई डी टी ए साइन टी। तो ये हो जाएगा ए साइन टी का, ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और साइन टी का क्या होता है कॉस टी। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं डिफ्रेंशिएट फर्स्ट वाले इक्वेशन को। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी और ब्रैकेट में ए कॉस टी है प्लस लॉग टेन टी बाई टू है, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ से ये एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, बाहर हो गया। अब डी बाई डी टी को पहले इससे करेंगे, तो कॉस टी का हमारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, हमें पता है। लॉग टेन टी बाई टू है, इसको ऐसे एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और एक्स क्या है टेन टी बाई टू है। अब टेन टी बाई टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी टी टेन टी बाई टू, इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ओके, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज ए माइनस साइन टी, दिस इज प्लस टेन टी बाई टू को मैं साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस टी बाई टू, और टेन टी बाई टू का डिफरेंशिएशन यानी सेक स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर टी बाई टू होगा, और टी बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वन बाई टू आ जाएगा, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद देखें अगर हम लोग सॉल्व करके, तो सेक स्क्वायर सेक यहाँ लिखेंगे ऐसे माइनस साइन टी प्लस कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, और ये टू है इधर, और यहाँ से ये अपॉन में आएगा तो कॉस स्क्वायर टी बाई टू इस टाइप से, तो ये एक कट जाएगा। अब टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू साइन टी हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए माइनस माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, और साइन वन माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होता है, तो ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व अगर करते हैं हम लोग, तो ये कॉस स्क्वायर टी है तो ठीक है, इतना ही बने रहने देते हैं, और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फोर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब इन लोगों की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी हमने अभी निकाला है जो कि है हमारा, सॉरी ये डी एक्स बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी हमने ये निकाला था जो कि है ए कॉस टी है। तो इसको लिखेंगे दिस इज ए कॉस टी अपॉन, इसकी वैल्यू को लिखेंगे ए कॉस स्क्वायर टी, और साइन टी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये टेन टी आ गया है, और यही हमारा आंसर है।
ओके अब उसके बाद आते हैं अपने एट्थ के बाद अपने नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नाइन्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स ए सेक थीटा और वाई बी टेन थीटा है। आइए इसको करते हैं। एक्स हमारा है ए सेक थीटा और वाई है हमारा बी टेन थीटा। तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा है तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है एकदम सिंपल होता है। सेक थीटा का होता है हमारा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया। उसी तरीके से डी वाई बाई डी थीटा बी टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इनको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे अगर तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा है और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन ए। ये बी था और ये था तो बी अपॉन ए और इसको वैसे ही बने रहने देते हैं। सेक थीटा को नीचे ले आते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो बी अपॉन ए कोसेक थीटा हो जाएगा, यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। टेंथ नाइन्थ के बाद टेंथ क्वेश्चन पर अपने आते हैं हम लोग। टेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई है और इसमें भी वही चीज़ करना है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक्स हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये हो गया हमारा। अब इसको भी सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है थीटा का होता है वन इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे अगर तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन में ए बार कॉस साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा और थीटा का हमारा जो है हो जाएगा वन वन और इंटू कॉस थीटा और प्लस और इस बार थीटा उसी तरीके से रहेगा कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। यहाँ से ये साइन थीटा कैंसिल हुआ तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर से इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस ये प्लस थीटा इंटू साइन थीटा तो ये हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा ये है हमारा ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा है हमारा ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारा आंसर हो गया है। तो इस टाइप से हम लोगों ने टेंथ क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब इलेवेंथ क्वेश्चन को मैं कह रहा इफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉमा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स आपसे कह रहा है कि बताइए क्या हो प्रूफ कीजिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इलेवेंथ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे x इक्वल टू पहले अंडर रूट ए साइन पावर है इसका साइन इनवर्स टी है इस टाइप से है। पहले इसको करेंगे फिर y वाले करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग या फिर इसको थोड़ा सा ब्रेकअप कर लें और फिर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको अगर हम लोग माने
ऐसे मान लेते हैं कि लेट ये हमारा यू है जो कि ए साइन इनवर्स टी है, साइन इनवर्स टी है ए, ये हमारा यू हो गया। उसके बाद वी मान लेते हैं कि ये हमारा साइन इनवर्स टी है, ओके। तो एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू हो जाएगा और यू हमारा क्या हो जाएगा, ए की पावर वी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो बाय चेन रूल से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी वी, डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। तो d अपॉन डी यू हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या है, जो कि है हमारी x की वैल्यू रूट यू है, और d बाई डी वी की बात करें तो u की वैल्यू क्या है, a की पावर v है, और d बाई डी टी वी की पावर, v की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स t है। तो इन सब को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रूट यू का हो जाएगा हमारा सिंपली 1 अपॉन 2 हो जाएगा इसका, और u की पावर 1/2 है तो 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा रूट यू, ये हो गया। और इसका अगर देखें तो ये a की पावर v है, तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर v log a हो जाएगा, और इसका अगर देखें तो ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 - t² ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इन सब को एक साथ अगर मिला करके लिखें इनके ओरिजिनल वैल्यू के साथ, तो u की ओरिजिनल वैल्यू, v की ओरिजिनल वैल्यू सबकी अब यहाँ पर हम लोग पुट आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर v, v क्या है, साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन में, दिस इज अपॉन हो गया, और ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 2 u की पावर, हमारा u है 2 u है, और u क्या है, अंडर रूट में a साइन इनवर्स t है, ये हो गया हमारा। और तो ये हो जाएगा हमारा रूट u की वैल्यू ओरिजिनल लग दी हमने, अब उसके बाद ये तो पहले से ओरिजिनल रखा ही हुआ है 1 - t² के फॉर्म में ही, इसको वैसे ही बने रहने देंगे। अब ये देखिए इसकी पावर अगर देखें तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1/2 करेंगे तो ये अंडर रूट में a साइन इनवर्स t आ जाएगा इंटू लॉग a हो जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट 1 - t² आएगा, ये हो गया हमारा। दिस इज इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट dx/dt। अब अगर हम लोग dy/dt की बात करें इसी तरीके से dy/dt निकालेंगे तो y है हमारे पास सिंपली दिस इज y इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t, ये है y इक्वल टू है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। और जब ये हो गया तो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास उसी तरीके से मान लेते हैं लेट u इक्वल टू a cos इनवर्स t, v इक्वल टू cos इनवर्स t, देयरफोर y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट u और u हो जाएगा a v। तो dy/dt हो जाएगा दिस इज dy/du, du/dv, dv/dt, ये हो गया हमारा। तो d/du हो जाएगा y की वैल्यू रूट u, d/dv u की वैल्यू हो जाएगी a की पावर v, और d/dt v की वैल्यू हमने मानी थी cos इनवर्स t, दिस इज cos इनवर्स t।
तो इसको भी अगर उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √u इंटू ए वी इंटू लॉग ए, और इसका हो जाएगा हमारा -1/√1 − t². अब इन सब की ओरिजिनल वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, cos इनवर्स t, तो ये हो जाएगा a cos इनवर्स t हो गया, और इनटू log a, और ये माइनस का साइन है तो माइनस आगे लगा देते हैं, अपॉन यहाँ पर 2 u जो है हमारा क्या है, u हमने माना था a cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t, तो ये हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t u हो गया, और अंडर रूट में 1 − t². अब यहाँ पर भी देखें तो ये तो पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेस सेम है, बेस जो है दोनों का सेम है, तो ये 1 − 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी बचेगा, इनटू लॉग ए है अपॉन में ट्वाइस अंडर रूट 1 − t². इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हमें dy by dx निकालना है, तो इसके पहले इक्वेशन की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन की वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। तो dy by dt अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था हमारा अंडर रूट माइनस में आया था अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और लॉग ए इंटू लॉग ए अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 − t², और डी एक्स बाई डी टी रखेंगे तो ये आया था हमारा ट्वाइस अंडर रूट 1 − t² अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ये आया था हमारा। अब इसको अगर देखें तो ये कैंसिल, 2 कैंसिल, लॉग ए कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, दिस इज सिंपली माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और यही हमारा क्या था हकीकत में, ये तो वाई है और ये हमारा x है, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ y अपॉन x, यही तो था ना हमारा y, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, y है अंडर रूट में a cos इनवर्स t, तो इसकी जगह y लिख दी, इसकी जगह x लिख दी, तो यही हमें प्रूफ करना था dy by dx is equal to minus y upon x, तो यहाँ लिखेंगे hence proved। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी पूरा सॉल्व हो गया 5.6। इसमें ये 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे थे, और ये आपके आईआईटी जेई में भी पूछे जा चुके हैं, एडवांस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और तैयार कीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।